सकते हो यहाँ पास कितनी कितनी मशीनें लगी हुई हैं, वर्कर देख सकते हो पूरी रनिंग मशीनें चल रही है, प्रोडक्शन यहाँ पास आपका 12 घंटा पूरा चलता रहता है। इस तरीके से जो वर्कर है इस तरीके से हमेशा काम करती रहती है। और देख सकते हो दोस्तों इतनी ज्यादा यहाँ पास ये प्रोडक्शन हो रही है अगरबत्ती की कि क्या ही बताऊं। और फिर उसके बाद भी दोस्तों ये कहते हैं कि अगरबत्ती अगर आप बनाते हैं तो हम खुद ले लेंगे, क्योंकि दोस्तों इनकी इतनी बड़ी सेलिंग है, इतना ज्यादा ये प्रोडक्शन करते हैं, इतने बड़े बड़े लोगों से इनका टाई अप है कि आपको किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप ये सोच रहे हैं कि हम अगरबत्ती की मशीन तो लगा लेंगे, बेचेंगे कहां, तो ये सब टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। आप एक बार लेंगे उसके बाद आपकी सारी जो टेंशन है वो अघोराज पुनाना इंडस्ट्री की होने वाली है, वो आपका बाई बैक कर लेगी, किसी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। दोस्तों अगर आप मशीन लेते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पास ये माल है इस तरीके से सुखाया जाता है, पूरा डिटेल इस तरीके से होने जाती है। दोस्तों यहाँ पास की पूरी जानकारी तो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि मैं यहाँ के जब ओनर से आपको पूरा मिलवाने वाला हूँ, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पास अगरबत्ती बनती है। तो सर ये बताइए, जैसे मैंने अभी आपकी पूरी फैक्ट्री विजिट करी तो मैं काफी चीजें यहाँ पर जो समझ में नहीं आई, तो हमारे जो व्यूवर्स उनको समझाने की कोशिश करें कि अगरबत्ती का जो काम है किस तरीके से होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, माल वगैरह कैसे काम लिया जाता है, वो सारी चीज समझा देते हैं। आइए दोस्तों सर हमको खुद बताने वाले, यहाँ पास खुद ही अपना टाइम निकाल करके आए हैं बताने के लिए। देखो अगरबत्ती जो मशीन में सबसे पहले डलता है ना, ये पाउडर होता है सर, तो ये पाउडर से अगरबत्ती, हमें ये बता दीजिए जैसे हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं ये पाउडर किस चीज से बनता है। ये चारकोल पाउडर होता है। जी जी जी, इसी से अगरबत्ती बनती है। कस्टमर को ये भी नहीं, ब्लैक हाथ हो जाता है। जैसे कस्टमर को ये नहीं पता होगा सर इसको सानना कैसे, इसको बनाना कैसे, उसके लिए जब कस्टमर मशीन लेता है ना तो उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए लड़का जाता है। जी, वो सारी चीज मतलब समझा, अगरबत्ती बना करके सिखा करके आता है। जी जी, कस्टमर को संतुष्ट करके आता है। कि तो सर एक बार हमें बताइए कि ये जो मशीन है ये किस चीज की मशीन होने वाली है। ये मिक्सर मशीन है जिसमें पाउडर को मिलाया जाता है। जी जी जी, ये देखिए दोस्तों एक बार मैं विजिट कर देख लेता हूँ कि इस तरीके से जो मिक्सर मशीन है इस तरीके से चलती है। आपको मैं लाइव चलती हुई दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से मशीन आपको चलने वाली है। तो सर ये बताइए जैसे कि मैंने देखा कि इस तरीके से अभी आपने बताया कि इसका जो मटेरियल इसे तैयार होता है, तो ये फिर मशीन में कैसे बनता है। मशीन में इस तरीके से बनता है, देखो ये सारा जो है ना पाउडर वगैरह ये देख लीजिए आप, ऐसे इस देख सकते हो इस तरीके से ये पाउडर डाला हुआ है और यहाँ पास स्टिक इस तरीके से लगी हुई है। तो ये चीज मशीन हमारे पास रनिंग रहती है, कस्टमर आकर प्रैक्टिकल देख सकते हैं। देख सकते हो इस तरीके से। जी मशीन के लिए कितनी जगह चाहिए वो देख लेते हैं आप एक बार, कितनी जगह चाहिए। ये देखिए दोस्तों यहाँ पास ये मशीन की जो पूरी आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पास इतनी छोटी सी यहाँ पास एरिया में मशीन लगने वाली है, तकरीबन हमको लगता है 8x8 में पूरी ये मशीन लग जाएगी। कस्टमर को मैं बता देता हूँ कि मशीन के साथ में क्या क्या आता है, वो भी मैं समझा देता हूँ कस्टमर को। ये भी साथ में मिलता है जी, ये ऑटो फिल्टर है, ये भी साथ में आएगा। ऑटो फिल्टर में स्पीड कम ज्यादा करने का सिस्टम भी रहता है। जी जी ठीक है। और ये अगरबत्तियां जो बनती है ना तो इस तरीके से पंखे में सुखानी पड़ेगी, इनको गीली रहती है अगरबत्ती। जी जी जी, ये देखिए मतलब ये अभी अगरबत्ती को है, अभी इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। अभी गीली अगरबत्ती है तब भी आप क्वालिटी देख सकते हो, टूटेगी नहीं। जी जी, मतलब कि काफी अच्छी क्वालिटी की अगरबत्ती इस तरीके से बन जाती है। और यहाँ पास ये मशीन है, इसमें देख सकते हैं इस तरीके से रॉ मटेरियल पड़ा रहता है और यहाँ से अगरबत्ती पूरी बनती है। तो मैं दोस्तों लाइव ही आपको दिखा ही रहा हूँ, तो इस तरीके से पूरा लाइव होने वाली है अगरबत्ती की जो पूरी वैरायटी इस तरीके से। तो दोस्तों जैसे काफी लोग सोच रहे होंगे कि राजपुनाना इंडस्ट्री है जो काफी पुरानी, मैं पहले आपको बता दूं कि राजपुनाना इंडस्ट्री काफी पुरानी कंपनी है। और यहाँ पास देख सकते हैं, पहले मैं इनके रजिस्ट्रेशन दिखा दूं आपको। यहाँ पास इनके रजिस्ट्रेशन, इनके आपको राजस्थान सरकार में, केंद्र सरकार में, सभी जगह आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मिल जाते हैं। अगर और बात करें कि राजपुनाना इंडस्ट्री पूरा रजिस्टर्ड हो चुकी है, इसका जो नाम है अभी तक अब कोई यूज नहीं कर सकता, सर ने इसको पूरा रजिस्टर्ड करवा दिया, क्योंकि काफी ज्यादा ऐसा होता है कि दूसरे नाम की भी कंपनियां होती हैं तो लोग थोड़ा सा बहक जाते हैं। तो यहाँ पास इसी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है और आप यहाँ से जुड़ करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हो और काफी अच्छा प्रॉफिट भी होने वाला है। तो सर एक बार ये बताइए कि आज अभी तक आपसे कितने लोगों ने जुड़ करके बिजनेस शुरू किया है। हजारों लोग कस्टमर है जो हमसे माल देते हैं, लेते हैं। जी जी, मतलब कि आपने 1000 लोगों की रोजी रोटी आपने मतलब कि चालू कर दी है आपके माध्यम से। जी, तो ये भी अच्छी प्लस पॉइंट है कि सर दोस्तों कि आप अगर बत्ती का लगाते हैं उद्योग तो आपके लिए बेनिफिट होने वाला, क्योंकि अगरबत्ती प्रोडक्ट ही ऐसा है कि आप ये कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जब तक धर्म रहेगा जब तक अगरबत्ती हमेशा चलती रहेगी। तो अगरबत्ती का जो काम है कभी बंद नहीं होने वाला, अगरबत्ती का काम हमेशा चालू रहेगा। तो आप अगरबत्ती के उद्योग में, अगरबत्ती के बिजनेस में आ सकते हो, काफी अच्छा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो दोस्तों देख सकते हो काफी ज्यादा लंबी हो गई होगी। तो अगर आपको अगरबत्ती से रिलेटेड और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो सर के जो है नंबर ऑलरेडी चल रहे हैं, तो एक बार सर ये बता दीजिए जैसे कि कोई आपके पास फोन करता है या अगर जयपुर आना चाहता है तो उस टाइम आप क्या सपोर्ट देते हैं लोगों को। देखो कस्टमर से हम यही कहते हैं कि कहीं कहीं कस्टमर हो, जी जी, राजस्थान का हो, MP, UP, बिहार का, कहीं कहीं ऑल इंडिया में, जी, उससे हम यही कहते हैं एक दिन पहले कॉल करो। जी जी, बता दो कि सर हम इतने टाइम पे आएंगे, इतनी बजे आएंगे। तो उसको भी बाहर का कस्टमर होता है, उसको एक दो घंटे चाहिए। जी जी, तो वो संतुष्ट होके पूरा फैक्ट्री मशीन किस तरीके चल रहा है, क्या काम हो रहा है, संतुष्ट होने के बाद में मशीन ले। कभी भी हम कस्टमर से ये नहीं कहते कि भाई साहब आप ऑनलाइन पेमेंट डाल दो, जी हम यहाँ से मशीन डाल देंगे, नहीं।
प्रैक्टिकल आके देखो आप मशीन कैसे चल रही है, क्या काम करना है, तब खरीदो। और भी कोई दिक्कत आती है तो कस्टमर को आपने मेरे नंबर डाल ही रखे हैं, उस पर कस्टमर 10 से 6 कॉल कर सकता है। संडे है जो अपने फैक्ट्री ऑफ रहता है। जी जी जी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस तरीके के बिजनेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।